यात्रियों से भरी बस चली जा रही थी जब अचानक मौसम बदला और भारी बारिश चालू हो गई और बिजली भी चारों तरफ चमकने लगी। सभी देख रहे थे कि बिजली कभी भी बस को चपेट में ले सकती है। रोशनी से बचने के दो या तीन कठिन प्रयास के बाद चालक ने पेड़ से 50 फुट की दूरी पर बस बंद कर कहा, हमारे पास बस में कोई है जिसकी मृत्यु आज निश्चित है। उस व्यक्ति की वजह से बाकी सब लोग भी मारे जाएंगे। अब ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति बस से उतर एक एक कर बाहर जाकर पेड़ के तने को स्पर्श करे और वापस आ जाए। जिसकी मौत निश्चित है वह बिजली से पकड़ा जाएगा और मर जाएगा और बाकी सभी को बचा लिया जाएगा। उसने पहले व्यक्ति को जाने और पेड़ को छूने और वापस आने के लिए कहा। वह अनिच्छा से बस से उतर गया और पेड़ को छुआ। उसका दिल प्रसन्न हो गया जब कुछ भी नहीं हुआ और वह अभी भी जीवित था। यही क्रम बाकी यात्रियों के लिए जारी रहा और उन सभी को राहत मिली जब वे पेड़ को छूकर लौटे और कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब आखिरी यात्री की बारी आई तो सभी उसे आंखों से घूरने लगे। वह यात्री बहुत डर गया और अनिच्छुक था क्योंकि वही केवल अकेला बचा था। सभी ने उसे नीचे उतरने और जाने व पेड़ को छूने के लिए मजबूर किया। मृत्यु के 100% भय के साथ अंतिम यात्री पेड़ के पास गया और उसे छुआ। उसी समय वहां गड़गड़ाहट की एक बड़ी आवाज गूंजी और बिजली ने बस को चपेट में ले लिया। हाँ, बिजली के चपेट में आने से बस के अंदर सभी मारे गए। इस घटना से यह स्पष्ट हो गया कि पूरी बस इस आखिरी यात्री की उपस्थिति के कारण सुरक्षित थी। दोस्तों, कई बार हम अपनी वर्तमान उपलब्धियों के लिए स्वयं श्रेय लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि यह हमारे साथ जुड़े एक व्यक्ति के कारण है। शायद उस व्यक्ति की वजह से हम अपनी वर्तमान खुशी, सम्मान, प्रेम, नाम, प्रसिद्धि, वित्तीय सहायता, शक्ति, स्थिति और क्या नहीं आनंद ले रहे हैं। अपने चारों ओर देखिए, शायद आपके माता पिता, आपके पति या पत्नी, आपके बच्चे, आपके भाई बहन, आपके मित्र आदि के रूप में आपके आसपास कोई है जो आपको नुकसान से बचा रहे हैं।